ग्वालियर ईओडब्ल्यू पुलिस की टीम ने बिजली कंपनी के भिंड कार्यालय में छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान जूनियर इंजीनियर को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। वहीं आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि जूनियर इंजीनियर एक अस्पताल से रिश्वत की मांग कर रहा था, नहीं देने पर 2.5 लाख की बिजली चोरी का प्रकरण बनाने की चेतावनी भी दे रहा था। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक भिंड में स्थित मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मैनेजमेंट संभालने वाले आशुतोष शर्मा ने ग्वालियर ईओडब्ल्यू एसपी कार्यालय में एक शिकायती आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने बिजली कंपनी के जूनियर इंजीनियर अरुण सैनी पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। वहीं आवेदक आशुतोष शर्मा ने शिकायत में बताया कि अरुण सैनी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वह उन्हें 50,000 रुपए रिश्वत दे, वरना उनके खिलाफ 2.5 लाख रुपए का बिजली चोरी का प्रकरण बना देंगे। वहीं शिकायत मिलते ही ग्वालियर ईओडब्ल्यू पुलिस ने आवेदक के माध्यम से रिश्वत मांगे जाने की तस्दीक दी। रिश्वत मांगने की बात का सबूत मिलते ही ईओडब्ल्यू ग्वालियर की टीम भिंड पहुंची और आवेदक के रिश्वत देते ही ईओडब्ल्यू की टीम ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। ग्वालियर को श्री आशुतोष शर्मा निवासी आर्य नगर और संचालक कामाख्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिंड, इनके द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया था कि मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भिंड द्वारा के जेई श्री अरुण सैनी द्वारा 50,000 रुपए की मांग की जा रही है, जबकि बताया गया कि मैंने पूरा बिल अदा कर दिया है। इसके बाद बोल रहे हैं कि आपको चोरी के केस में, विद्युत के चोरी के केस में फंसा देंगे। तो इस संबंध में उस आवेदन पर एसपी साहब द्वारा बताया गया कि इस पर कार्रवाई करो, तो उस संबंध में रिकॉर्डिंग वगैरह करवाई गई, तो आज इनको 50,000 रुपए रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़े गए।